मॉर्निंग एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाम ही इंडिकेट कर रहा है, पॉली मतलब दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो की बात नहीं कर रहे वैसे हम, दो से ज़्यादा की ही बात कर रहे हैं। जेनिक मतलब जीन, ऐसी जीन जो दो से ज़्यादा हो, ठीक है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब वही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही हो और अपने रिजल्ट दे रही हो, ठीक है। उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय थ्री और मोर जीन एंड आर थस कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट्स, ठीक है ना। कहा इन्होंने जनरली कंट्रोल बाय थ्री एंड मोर जीन, तीन या तीन से ज्यादा जो जीन्स हैं और कंट्रोल कर रही है एक पर्टिकुलर फैक्टर को, दैट इज पॉलीजेनिक ट्रेट्स। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसलिए मल्टीपल जीन कहा गया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है जैसे ह्यूमन के अंदर स्किन का कलर है, वो दो जीन पर नहीं, वो दो से ज्यादा जीन पर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। जैसे तीन, जैसे मान लीजिए ए बी सी, कैपिटल लिखा है तो डोमिनेंट स्ट्रक्चर शो कर रहा है ए बी सी, स्मॉल लिखा है तो रिसेसिव, ठीक है। अगर कैपिटल आ जाए सारे तो कैसा होगा कलर, डार्क, और अगर स्मॉल आ जाए तो कैसा होगा कलर, लाइट। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, सचमुच ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मेलानिन पर डिपेंड करता है। हमने ये आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से इस चीज को आप कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि अगर सारे कैपिटल्स आ जाएं तो जो ह्यूमन के ऑफस्प्रिंग का कलर होगा कैसा होगा, डार्क होगा, और सारे स्मॉल आ जाएं तो कैसा कलर होगा, लाइट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मिक्स आ जाएं, ठीक है, तो कैसा होगा, इंटरमीडिएट। जैसे कि रेड एंड व्हाइट कलर को हमने क्रॉस कराया था तो पिंक आया था ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। एज एक्सपेक्टेड द जीनोटाइप विथ थ्री डोमिनेंट एलील्स एंड थ्री रिसेसिव एलील्स विल हैव एन इंटरमीडिएट स्किन कलर। तीन ये और तीन ये आ जाए, क्योंकि हमेशा पेयर्स में होती है फिर, है ना, एलील्स, तो अगर आ गए तो कैसा हो जाएगा, इंटरमीडिएट स्किन कलर हो जाता है। उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर फैक्टर के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तीन या तीन से ज्यादा जीन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उनके लिए टर्म यूज करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऑलरेडी मैं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा चुकी हूँ मैंने, लेकिन आपको ह्यूमन, बर्ड, चिकन इनके बारे में पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको मेल हेट्रोगैमी और फीमेल हेट्रोगैमी भी पढ़ा दिया था, जिसमें हमने बताया था नॉर्मली अगर आप ह्यूमन के अंदर देखेंगे तो फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई, लेकिन अगर आप बर्ड्स में, चिक्स में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर फीमेल में डिफरेंट गैमेट्स प्रेजेंट है और मेल में सेम गैमेट, होमोजाइगस होते हैं और फीमेल में हेट्रोजाइगस, जबकि ह्यूमन में कैसे हो रहे हैं, ह्यूमन में फीमेल में होमोजाइगस होते हैं और मेल में हेट्रोजाइगस होते हैं, ठीक है। ये वाला भी बिल्कुल डिफरेंट है जो आज हम पढ़ेंगे, ये है हनी बी के बारे में, ठीक है। हनी बी का अगर आप सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे तो कैसा होता है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। समटाइम्स सिंगल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन इसमें देखने को मिलता है और वो कैसा होता है, तो वो हनी बी में देखने को मिलेगा। और इसको क्यों ऐसा कहा गया हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, एक्चुअली यहाँ पर हनी बी की जो क्रोमोजोम का नंबर है, सेट ऑफ क्रोमोजोम का जो नंबर है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग, देखिए नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम एंड इंडिविजुअल रिसीव, इंडिविजुअल रिसीव का मतलब है मेल एंड फीमेल, इंडिविजुअल हो गया ना, मेल अलग फीमेल अलग, तो उसने कितना रिसीव किया है सेट ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, उसके नंबर पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको कहा गया है हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। इस चीज को आप ऐसे समझें, फीमेल के अंदर ऑलवेज डिप्लॉयड क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 32 मेल के अंदर हैप्लॉयड क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जैसे कि 16, इसलिए इस सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या कहा गया है, हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि ये इंडिविजुअल के रिसीव करने पर कि उसके कितने नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम वहां पे प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो ये देखिए यहाँ पर मेल के पास सिर्फ 16 क्रोमोसोम है जबकि फीमेल के पास 32, तो ये इसके हाफ है ना और ये इसके डबल है, इसलिए इसको कहा गया है हैप्लॉयड डिप्लॉयड हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। फीमेल के अंदर क्या होता है, मियोसिस की प्रोसेस होगी और टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, याद कीजिए माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या हो रहा था, अगर n नंबर है तो n ही, सॉरी 2n है तो 2n ही पहुंचेंगे,
और मियोसिस में क्या होता है, अगर 2n है तो वो क्या हो जाएगा, n में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए ये 2n है, ये भी क्या है, ये n है क्योंकि हाफ है ये, तो ये हाफ ही पहुंचेंगे। लेकिन ये 2n है तो एक n ये रहा और दूसरा n ये, तो ये क्या हो गए, डिवाइड हो गए। 16 यहाँ पर, 16 यहाँ पर, तो ये 16 कहा गया है, मेल्स बन रहे हैं। क्यों कहा गया है 16 मेल्स बन रहे, क्योंकि अभी हमने बताया कि यहाँ पर मेल्स का जो क्रोमोसोम नंबर कितना है, 16 है। तो फिर आप कहेंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, याद कीजिए हमने पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी, अनफर्टिलाइज्ड एग की तरह वो काम करते हैं, ठीक है, और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर वही चीज हो रही है। तो ये किसमें हो गए, मेल्स में, ये वाले 16 और ये वाले 16 मिलकर क्या बन जाएंगे, 32, जो कि फीमेल्स की फॉर्मेशन करेंगे। इसलिए इस सेक्स डिटरमिनेशन को नाम दिया गया है हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन। देखिए एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ अ स्पर्म एंड एन एग डेवलप एज ए फीमेल, ठीक है, ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होगी, यूनियन मतलब आपस में जब जुड़ जाएंगे स्पर्म एंड एग, और डेवलप होंगे क्या, फीमेल्स, ठीक है, क्वीन और वर्कर्स। एन अनफर्टिलाइज एग, ये क्या है, अनफर्टिलाइज क्या है, एग है, ठीक है, डेवलप एज ए मेल, मेल की तरह डेवलप होंगे, जिनको नाम दिया हमने ड्रॉन, बाय मीन ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, किस प्रोसेस के थ्रू, पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू। इसलिए इसके सेक्स डिटरमिनेशन का क्या नाम है, हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन, जो कि इंडिविजुअल के रिसीव करने पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का इंडिविजुअल होगा। अगर वो हाफ क्रोमोसोम रिसीव कर रहा है तो मेल, और अगर वो डबल रिसीव कर रहा है तो फीमेल। इसलिए उनको कहा गया नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम एट इंडिविजुअल रिसीव, ठीक है, थैंक यू क्लास।